हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साप्लानर। तो श्रेणी नवम पिले अतिशीघ्र तुम एनआरटीएस जो वृत्ति परीक्षा अच्छी हेप जाऊँगी। आशा करमें तुम भाया निजर प्रिपरेशन को बहुत बेस्ट वे कर निश्चित रूप तुम भल मार्क आनी पार। तो आज वीडियो रे विज्ञान एक प्राक्ट सेट को आलोचना करवा जहाद्वारा तुम निज निजे अभ्यास कर भल स्कोर कर। ठीक अच्छे, तो चलो स्टार्ट करवा। देख पिले 51 नंबर क्वेश्चन जान रख, विज्ञान तुम 51 रु 75 भितर रहइब। तो 51 नंबर क्वेश्चन होची केउटी एक तृण कुमारी सीएन ना एंड्रिन ना 240 ना गैलेक्सन आ भितर कोडा गोटे तृण कुमारी। आंसर होची पिले माने ऑप्शन सी 240, ऑप्शन सी। केउटी एक अमल उत्सव रज ना महरम ना गणेश पूजा ना दिवाली। दिवाली होची गोटे अमल उत्सव। डेंगू ज्वर बाहक किए, माइनोफिलिस मशा ना क्यूलेक्स मशा ना माई एडिस मशा ना माछी। डेंगू ज्वर बाहक होची किए, डेंगू ज्वर बाहक होची माई एडिस मशा। परवर्ती क्वेश्चन देख, आंथ्राक्स रोग बीजाणुर आविष्कारक किए, आंथ्राक्स रोग बीजाणुर आविष्कारक किए। रॉबर्ट कॉक, रॉबर्ट कॉक होती आंथ्राक्स रोग बीजाणुर आविष्कारक। परवर्ती प्रश्न हला केउटी जलिले केश पोड़ा गंध हुए, रेयन जलिले ना पॉलिस्टर जलिले ना नाइलन जलिले ना एक्रिलिक जलिले, केउटी जलिले केश पोड़ा गंध हुए। नाइलन जलिले केश पोड़ा गंध हुए। केउटी एक थर्मोप्लास्टिक अटे, थर्मोकोल बेकेलाइट फर्मिका मेलामाइन। थर्मोकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्नस्थ क्यों पदार्थटी लाल लिटमस कागजर रंग नील करे, चीनी पानी कागजी रस सोडा पानी चून पानी। क्यों पदार्थटी लाल लिटमस कागजर रंग नील करे, चून पानी। फॉस्फोरस पेंटाक्साइड जल रे द्रवीभूत हेले क्यों अम्ल सृष्टि हुए, फॉस्फोरस पेंटाक्साइड जल रे द्रवीभूत हेले क्यों अम्ल सृष्टि हुए। फॉस्फोरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, लवण अम्ल, जबक्षार अम्ल। फॉस्फोरस अम्ल। पेट्रोलियम गैस रे क्यों उत्पादन टी अधिक परिमाण रे थाए, पेट्रोलियम गैस रे क्यों उत्पादन टी अधिक परिमाण रे थाए। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ऑप्शन डी ब्यूटेन। कोईलार अंतर्धुव पातन केउटी एक उत्पादन नुहे, कोईलार अंतर्धुव पातन कोड़ा गोटे उत्पादन नुहे, कोक ना कोल गैस ना बिटुमेन ना अल्कातारा। बिटुमेन नुहे तार। पालंग शागरे केउ अम्ल थाए, बेंजोइक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल ना ऑक्जेलिक अम्ल। पालंग शागरे केउ अम्ल थाए, आंसर होची ऑक्जेलिक अम्ल। केउटीरु रस पश्चम मिले ना, कौथिरु पश्चम मिले ना। लुमस कुकुर रु के मतलब पशम मिले ना। पोषक गुड़िकर आहरण और खाद्य प्रस्तुत रे विनियोग को सामग्रिक भाव उद्भिदर कौन कह जाए, पोषक गुड़िकर आहरण और खाद्य प्रस्तुत रे विनियोग सामग्रिक भाव उद्भिदर कौन कह जाए, तार पोषण बोली कह जाए। ताप संचरण रो उपाय जो वायुमंडल रे वायु प्रवाहित हुए,
ताप संचरण के उपाय जो वायु देखो वायुमंडल में जो ताप संचरण होता है आम कह परिचलन कह कठिन पदार्थ रे परिवहन गैसीय तरल पदार्थ रे परिचलन कौन से माध्यम दरकार नहीं बोले आसो विकिरण आसो तो यही प्रश्न आंसर आसो ऑप्शन बी पानी पागरे छत्ता संकेत क्या बुझाए पानी पागरे जो छत्ता संकेत होता है क्या बुझाऊ मेघुआ पाग को झिपिझिपि वर्षा को जोर वर्षा को ना कोहड़िया पाग को जोर वर्षा पाग को बुझाऊ मूर्तिका क्षयर सर्वप्रथम कारक किए क्या जो मूर्तिका क्षय होती जल जो ना वायु जो ना सूर्यालोक जो ना झड़ तूफान जो मूर्तिका क्षयर सर्वप्रधान कारक होची कि जल जल जो बेस मूर्तिका क्षय हो सतश नंबर प्रश्न आसला क्यों अम्ल बहु परिमाण में कोष से जमा हेल्ले मांसपेशी जंत्रणा हुए निम्नलिखित मध्य कौ अम्लटा बेस परिमाण जब कोष से जमा हाब तेबे कोष ते मांसपेशी जंत्रणा हाब आंसर हो पाला माने लैक्टिक अम्ल टिंपी जातीय उद्भिद क्यों जनन देखा जाए अंगीय लिंगीय जनन अंगीय अलिंगी जनन अंगीय जनन ना लिंगीय जनन अंगीय अलिंगी जनन आम राजधानी भुवनेश्वर क्योंठे बालुका घड़ी अच्छी आम राजधानी भुवनेश्वर क्योंठे बालुका घड़ी अच्छी सचिवालय आंचलिक विज्ञान केन्द्र में ना राजभवन ना म्यूजियम आंचलिक विज्ञान केन्द्र में क्योंटी विद्युत शक्ति उत्स नुहे शुष्क सेल टोस्टर सोलार सेल कार बैटेरी क्योंटी विद्युत शक्ति उत्स नुहे टोस्टरटा गोटे विद्युत शक्ति उत्स नुहे क्योंटी स्वतः दहन उदाहरण आपे आपे जल्द विद्युत बल्ब जल्दा स्वतः दहन बाण फुटवाटा ना धला फसल जल्दा ना रूपा कानफुल कला पड़ा धला फसफरस जो अटोमेटिक जलुच्छे से स्वतः दहन गोटे उदाहरण क्योंटे मृदु दहन उदाहरण मृदु अर्थ स्लो लुहारे कलंकी लगे हूँ एक मृदु दहन उदाहरण सातपुरा जातीय उद्यान क्यों उद्भिद अधिक परिमाण देखा जाए साल उद्भिद आंब उद्भिद ना सुंदरी उद्भिद ना सागवान उद्भिद तो सातपुरा जातीय उद्यान क्यों उद्भिद अधिक परिमाण देखा जाए सागवान उद्भिद अधिक देखा जाए भारत जातीय पशु किए भारत जातीय पशु होची बाघ निम्न कोष मध्यरु बृहत्तम कोषटी कौन मनुष्य कोष उद्भिद कोष बीजाणु कोष ना उटपक्षी अंडा निम्न कोष मध्यरु बृहत्तम गोष्ठी निम्न कोष मध्यरु बृहत्तम गोष्ठी कोड़ा अभी तो बृहत्तम कोष कोड़ा अटे उटपक्षी अंडाटा होची सबुठ बड़ कोष तो पिलाने ये प्रकार आम 25 प्रश्न आलोचना करदे विज्ञान आशा करूँ समस्त को ये भिडियोटी बहुत भल लगी जो भल लगी निहत गोटे लाइक करदे ओके निजर समस्त फ्रेंड्स को शेयर करवा या सहित जो मैंने यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करना निहत सब्सक्राइब करदे ओके तो चलो समस्त थैंक यू सो मच।